विलियम ब्लेक अ पॉइजन ट्री. विलियम ब्लेक द प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक पोएट्री. एज जेफ्रे चॉसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. इन द सेम लाइन ब्लेक हैज बीन एंटाइटल्ड एज द प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक पोएट्री. पॉइजन ट्री अ ट्री फुल ऑफ वैनम जहर से भरा हुआ कोई दरख्त. सिंबॉलिकली ये नज़म लिखी गई. सिंबॉलिकली जो पॉइजन ट्री है ये ट्री ऑफ हिपोक्रेसी है, ट्री ऑफ डिसेप्शन है. When sometimes you are angry upon a person, but you try to pretend that you are not angry with him or her. जितना तवज्जो नहीं कर रही तुम, पीछे बहुत देखती रहती. I was angry with my friend. इसमें दो situations हैं. The one person who was angry with his friend or someone. He or she expresses that anger and resultantly that anger extinguished or ended as a result. On the other hand, a person who tried to hide his or her anger and consequently her hidden or his hidden anger turned into poison and ultimately That poison tree bore a fruit. उस पर एक फल लगा जैसे कि दरख्तों पर लगते हैं. और जिसके मुतल्लिक उसकी कोई अनाइनेंस थी, नाराज़गी थी, उसने उस दरख्त के फल को खा लिया. एंड अल्टीमेटली दैट पर्सन डाइड. आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड. मैं नाराज था अपने दोस्त से. I told my wrath. I expressed my anger. मैंने अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर दिया, उसे बता दिया कि मुझे उस पर गुस्सा है. और जो कुछ भी उसने गुस्से में उसे कहना था उसने उससे वो सब कुछ कहा. और क्या हुआ नतीजा? My wrath did end. मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया. साइकोलॉजिकली अक्सर ऐसे ही होता है, किसी पे को गुस्सा है उसको बताएं, उस गुस्से का इजहार करें, वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि शायद जिस पे आपको गुस्सा होता है वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन ऐसी दे दे जिससे आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए, या चीख कर चिल्ला कर उसको गालियाँ वगैरह दे के आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए. लेकिन गुस्सा ख़त्म हो जाएगा. तो ब्लेक भी अपने दोस्त से नाराज़ था. उसने अपने दोस्त को बताया कि वो उससे नाराज़ है. और बाद में उनके बीच में क्या हुआ उसका उसने कोई ज़िक्र तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि उसका गुस्सा ख़त्म हो गया. पहली दो लाइन्स आपके लिए एक नसीहत भी हैं. जब गुस्सा हो तो उस गुस्से को उस शख्स को बता दें जिस पे आपको गुस्सा है, शायद गुस्सा ख़त्म हो जाए. लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आई वॉज एंग्री विद माई एनिमी. आई हैव सम ग्रज और अनप्लेजेंट सेंटिमेंट्स अबाउट माई एनिमी. आई टोल्ड इट नॉट. एंड विलियम ब्लेक as he did with his friend, quite opposite to that situation, William Blake did not express his anger to his enemy. दुश्मन को उसने अपना गुस्सा नहीं बताया, क्योंकि दुश्मन से दुश्मनी थी, उससे कोई फ्रैंकनेस भी नहीं थी, कोई बातचीत भी नहीं थी, तो उसको गुस्सा कैसे बताता. गुस्से को छुपा छुपा लिया, अपने अंदर ही रखा.
क्या हुआ? माय रैथ डिड ग्रो, मेरा गुस्सा और फ्लॉरिश कर गया, लाइक अ ट्री, जैसे कोई दरख्त फलता फूलता है, फ्लॉरिश करता है, ऐसे ही उसका गुस्सा, उसके गुस्से का बीज जो उसके दिल में सो किया गया, बीज लगाया गया, वो गुस्सा एक दरख्त की तरह बढ़ने लगा। एंड आई वॉटर्ड इट इन फियर्स, और मैंने दिन रात इस गुस्से के छोटे पौधे को, द लिटल सैपलिंग, द स्मॉल प्लांट ऑफ एंगर दैट वॉज सोन और प्लांटेड इन द हार्ट ऑफ द पोएट ब्लेक, स्टार्टेड इट वॉटरिंग डे एंड नाइट विद हिज फियर्स, विद हिज एप्रीहेंशंस, अपने खदशात का कि कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। उसने दिन रात सोचना शुरू कर दिया कि मेरा दुश्मन है, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अब जितना वो इस बात पे सोचता था कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, उतना ही उसके दिल में गुस्से का, मुनाफ़त का जो एक दरख्त बढ़ना शुरू हुआ था, वो दरख्त और तेज़ी से बढ़ने लगा। नॉर्मली आपको किसी से ख़तरा है, आप ज़्यादातर खुद ही सोचते रहते हैं कि इस बंदे से ये नुकसान ना हो जाए, इससे ये नुकसान ना पहुंच जाए, तो आपको उस पर और गुस्सा आता रहता है ये सोच सोच के। पानी दिया उस दरख्त को, किस चीज़ का दरख्त था? गुस्से का, मुनाफ़त का। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, देखें कितना अजीब पानी है, किसी टैप से उसने पानी भर के नहीं उनको दिया, बल्कि वो दिन रात सोचता कि मेरा दुश्मन मुझे ये नुकसान पहुंचाएगा, और ख़ुद ही उस पर रोना शुरू कर देता, आंसुओं का पानी दिया। नाइट एंड मॉर्निंग, कुछ वक्त दिन को रोता था, कुछ वक्त रात को रोता था, दोनों टाइम रोता था, और वो जो दरख्त था वो और बढ़ता गया। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स, क्या ज़बरदस्त मेटाफर इस्तेमाल किया है, किसी भी पौधे के फलने फूलने के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है। किसी प्लांट को कमरे में रख दें, उसको सूरज की किरणें ना पड़े, वो फेड हो जाएगा, मुरझाना शुरू कर देगा, इट विल विदर सूनर लेटर। तो यहाँ पर जो गुस्से का पौधा एक दिल में उग रहा है, उसको कौन सा पानी दिया? आंसुओं का। और कौन से सूरज की तपश दी? मुस्कुराकर। जब भी दुश्मन सामने आता, विलियम ब्लेक उसे देखकर मुस्कुराने लग जाता, जैसे आप दोस्तों को देख के मुस्कुराते हैं, उसको ये एहसास दिलाता कि मुझे तुम पे कोई गुस्सा नहीं है। तो इससे तो इसकी भी अच्छी खासी मुनाफ़त सामने आ रही। एंड आई सन्ड इट, मैंने इसको तपश दी, जैसे सूरज तपश देता है फसलों को, पौधों को, विद स्माइल्स। वैसे भी इंसान मुस्कुराए तो जिसके दांत ज़्यादा साफ हों वो चमकते हैं, लेकिन ये होता वैसे ड्रामा, ये सारा एड्स वगैरह में ऐसे हो जाता है कि दांतों से इतनी चमक पैदा हो रही है। नॉर्मल इंसानों के दांत इतने नहीं चमकते, और अक्सर आप ये मूवीज़ में देखेंगे जो हीरो हीरोइंस वगैरह होते हैं, उनके दांत बड़े चमकते होते हैं, कभी कोई गौर करे तो ये कुछ टॉनिक्स वगैरह होते हैं जो वक्ती तौर पे लगा लिए जाते हैं दांतों पे, कुछ ग्रिप्स मार्केट में आई हुई हैं उनको दांतों पे लगा लेते हैं, तो वो आर्टिफिशियल होता है सारा कुछ। उसको देख के कोई खुद को ना सोचना कर दे शुरू के ऐसे दांत होने चाहिए, ब्रश को रगड़ रगड़ के दांत वैसे गिरने वाले कर ले, उनके भी असल में दांत आम इंसानों की तरह ही हैं।
तो उसने ब्लेक ने देख के मुस्कुराता रहा अपने दुश्मन को, और दिल के अंदर जो मुनाफ़त थी वो और बढ़ती गई। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स उसको धोखे में रखा, दुश्मन को धोखे में रखा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कोई एक्सेसिवली आपको आपकी केयर कर रहा है, आपके लिए केयरिंग है एक्सेसिवली, तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई मसला है। मिकावली एक राइटर है, निकोलस मिकावली, उसकी एक बुक है द प्रिंस, उसको ज़रूर पढ़ें, आप और तेज चलाक हो जाएंगे, दुनिया को डील करना आपको आ जाएगा। ठीक है, रिदा इधर बैठी हुई है, इसको कहें तुम इधर आ जाओ, इधर पंखे की हवा ज़्यादा, साथ में इसे कहें अब ये बोर्ड भी साफ़ कर दो, अपना मकसद निकलवा लिया। मिकावली ने कुछ ऐसी ही बातें अपनी बुक में की हुई हैं कि लोग दूसरों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, कोई दूसरों के हाथों में इस्तेमाल कैसे होता है। द प्रिंस PDF में भी मिल जाती है, और कोई इतनी बड़ी बुक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 सफ़ों की किताब है। इटली का राइटर था, और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने उस बुक को पढ़ रखा है, ये सियासतदानों के लिए ज़रूरी होता है इसको पढ़ें, 70 सफ़ों की किताब है, मेरे पास वैसे घर पड़ी हुई है, तो मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा था, तो मुझे लगा कि इतनी तेज़ी काफ़ी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ब्लेक ने अपने दुश्मन को धोखा दिया, उसकी खिदमत करके, उसको मुस्कुरा के मिलने से, और जाहिर किया कि जैसे हम में तो कोई दुश्मनी नहीं है। रिदा तुम लिख भी कुछ नहीं रही, कोई मीनिंग सारे बच्चे लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रही, देखो पेंसिलें उनके हाथों में सब लिख रही, कहाँ लिख रही हूँ। इसके बाद हमने एक और नज़म पढ़नी है, इससे वो बड़ी है, लंदन, ज़रा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। आज आपका लेक्चर होगा 1 घंटा 30 मिनट का, इसलिए मैं पहले आ गया हूँ, पहले 50 मिनट का होता है, आज थोड़ा सा लेंथी होगा लेक्चर। एंड इट ग्रीव बोथ डे एंड नाइट, बहुत ज़बरदस्त लाइन है ये लाइन, ख़ास तौर पे किसी गार्डनर को, किसी माली को समझ आ सकती है, या जिस बच्चे को कोई पौधे उगाने का शौक हो। बोथ डे एंड नाइट, पौधे दिन को या शायद रात को, दोनों में से किसी एक वक्त है, उसको उस टाइम बढ़ते नहीं, रात को नहीं बढ़ते, कौन रही आधे आधे। लेकिन यहाँ पौधे क्या कर रहे हैं, दिन को भी बढ़ रहे हैं, रात को, ये डबल स्पीड पे इसके दिल का पौधा बढ़ रहा है। और कौन सा पौधा है, मुनाफ़त का। टिल इट बोर एन एपल ब्राइट द ट्री ऑफ हिपोक्रेसी, इट ग्रेजुअली केप्ट ऑन फ्लॉरिशिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली अ ब्यूटिफुल एप्पल कुड बी सीन ऑन सम ब्रांच ऑफ द ट्री, दरख्त की एक शाख पे एक सेब नजर आया। एंड माई फू बीहेल्ड इट शाइन, दुश्मन ने देखा कि यह बहुत चमकता हुआ सेब है। विलियम ब्लेक ने अपने दुश्मन को कहा कि वो उसका कोई काम कर देगा, या उसे किसी दावत पे बुला लिए। मेटाफोरिकली वो दावत, वो इनविटेशन एक एप्पल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। एप्पल इज इक्वल टू एन इनविटेशन फॉर अ फीस्ट, फॉर अ लंच और डिनर,
किसी खाने की दावत है, किसी फीस्ट की दावत है, FEAST फीस्ट दावत को कहते हैं। तो दुश्मन ने फौरन उसकी दावत कबूल कर ली, क्या समझते हुए कि ये तो बंदा मेरा दोस्त है, हमेशा मुस्कुरा के मिलता है और बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसकी दावत को तो ज़रूर जाना चाहिए। उसने उस सेब को देखा, एंड माई फू बीहेल्ड इट शाइन, वो दावत बड़ी शानदार थी, मुख्तलिफ डिशेज का इंतज़ाम किया गया, ये सारा इमेजिनेटिव काम चल रहा है, रोमांटिक पोएट्री पढ़ रहे हैं, कोई दावत कोई डिशेज का इंतज़ाम नहीं, सारा तखयल आती है। दुश्मन ने देखा कि सेब बहुत चमकदार है, यानी विलियम ब्लेक की तरफ से दी गई ऑफर बहुत अच्छी है, एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, और दुश्मन को पता था कि ये मेरा ही है एप्पल, एंड इन टू माय गार्डन स्टोल, उस चमकते हुए सेब को देखकर द एनिमी ऑफ द पोएट इन क्वेश्चन दैट इज विलियम ब्लेक द एनिमी द फू एंटर्ड इन द गार्डन एट नाइट। अब गार्डन से मुराद एक तो आम बाग है और दूसरा इसका मतलब है वो विलियम ब्लेक के चालों की मुनाफ़कत के बाग में फंस गया, ये मुनाफ़कत का बाग है, ये चालों का, ये डिसीट्स का, ये धोखे का बाग है, ये सब्ज़ बाग है जो इंसान एक दूसरे को दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाना एक मुहावरा भी है। तो ये वो सब्ज़ बाग था जो विलियम ब्लेक ने अपने दुश्मन को दिखाया। तो वो रात के वक्त आया, एंड इन टू माई गार्डन स्टोल, और वो मेरे बाग में इसको चुराने के लिए आ गया। वेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, पोल क्या है? हैं कुतुब शुमाली कुतुब जनूबी, नॉर्दर्न पोल्स साउदर्न पोल्स, रात ने उन पे नकाब उड़ा दिया, मतलब रात छा गई। रात के वक्त वो आया इस सेब को चोरी करने के लिए, और सुबह के वक्त क्या हुआ? इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, सुबह के वक्त विलियम ब्लेक ने देखा और वो ये देख के ही वॉज क्वाइट ओवरजॉयड व्हेन विलियम ब्लेक सा दैट हिज एनिमी वॉज लाइंग डेड अंडर द ट्री बिकॉज एट नाइट ही केम टू स्टील दैट पर्टिकुलर शाइनिंग एप्पल एंड व्हेन ही एट दैट फ्रूट ही डाइड बिकॉज द फ्रूट वॉज फुल ऑफ पॉइजन, फुल ऑफ वेनम, जहर के साथ भरा हुआ वो फल था। दुश्मन मर गया। माय फू आउट स्ट्रेच्ड कहते हैं ऐसे बाहर को बाहें फैला के जमीन पे पड़े होना, वो जमीन पे गिरा पड़ा था, उसके बाजू बाहर को फैले हुए थे, यानी वो मर चुका था, पॉइजन थी। तो इससे लेसन हमें क्या मिलता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने गुस्से को दिल में ना दबाए, उसका एक्सप्रेशन दे ताकि वो गुस्सा ख़त्म हो जाए।